Hello dear students, this is Arish Kainar, your master of current of G K, and I welcome you all to this platform under 24 7 You know why did I bring this picture today, why did I bring this PPT today? That's a whole different scenario that I wanted to put in front of you. We are ending the class over here, here today, our classes, Hello Aranya, hello Yashika, hello Arpita, hello Rishu, hello... Ah, hi, hi, okay, okay guys. Is this challenge happening? No, this is not. This is not. This is not. See, I'll give you something. Did you really... Want that you really need, that you really deserve. I'll give you that. What you guys deserve is a little different. I'll give you. Why did we come with this PPT today? Why did we come with this, with this photograph today? I'll also explain. Also I'll explain ki hamara isse Yes. Also hamara isse relation kya hai पहली बात, दूसरा ये कोई G S G K part वाला जो है वो तो relation है ही है. That's a whole different thing. वो पूरा अलग scenario है, है ना? हाँ, वही तो problem है. वही तो problem है. तो है. ये आखरी दिन है. ब्रिज सीरीज जो है हम लोग ब्रिज सीरीज भी आप लाइक वी आर प्लानिंग समथिंग न्यू तो ब्रिज सीरीज नो प्रॉब्लम बच्चा और नहीं मैं बोल पा रहा था एज नॉट इन द कंडीशन टू टॉक दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि मैं तो बहुत ज्यादा जो है वो वी हैड टू स्किप ठीक है बट वी विल गो फॉर द 8 क्लास मैं आपसे तना करी प्लीज है ना प्लीज uh, थोड़ा सा जस्ट बेयर विद मी फॉर टाइम। सो देट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके दिमाग के ऊपर से नहीं जाए आपके दिमाग में जाए आपके खूपी में जाए आपके दिमाग के ऊपर से अगर वो क्रॉस होता है तो दैट इज प्रॉब्लम आई वेसिंग माई टाइम टाइम वॉन्ट यू गाइज टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूंगट ओके वाई आई एम से लग रहा है मुझे कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ दिस समथिंग जब आप प्रिपेयर करते हो जब आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो एट अ पर्टिकुलर टाइम आई है पेपर वंस नॉट ऑनलीस्ड वेयर वेयर इट इज अ टेस्ट एवरी वेयर वेन आर आई वेकअप दैट इज अस्ट आज एक

इस पूरे बंदे की जो बायोग्राफी है इस पूरे बंदे का जो लाइफ जर्नी है वो एक वर्ड से डिफेंड करता है सिंगल वर्ड डिफाइंस इज लाइफ एंड विच इज राइट दिस डाउन. नाउ डिजर्व्स रेड सी कन्विक्शन कन्विक्शन कोई भी चीज हो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी सिचुएशन हो कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो कोई भी इशू हो हर चीज से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है जो है कन्विक्शन बाहर निकलना चाहता था नहीं ये तो कुछ नया एक्वायर कुछ नया अचीव कुछ नया अपने लिए पाना चाहता था उस लिए उसने क्या किया वॉज कन्ड उसकाशन उसका पावर उसका उसकी ताकत उसका विल पावर इतना स्ट्रांग था दैट ही गॉट टू नो दिस जब उसको ये पता चला है जब उसको पता चला ये वाला पॉइंट कि मुझे अगर कुछ पाना है तो मुझे की पावर मेरी पावर स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी मुझे you, so अपने आप उसके अंदर झाँक के उनके एक बुक है, है माइंड काम्फ उनके द्वारा लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी है उसे हम लोग माइंड काम्फ है ना खुद लिखी पर्सपेक्टिव चाहिए और पढ़ो और भी किताबें हैं इवन कई सारी किताबें ऐसी हैं जो लोकल लैंग्वेजेस में इतनी बेहतर लिखी गई है कि उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ा जैसे तो रेत समाधि वाला एग्जांपल देता हूं आप लोगों को रेत समाधि वाला ले लो गाइस क्या है रेत समाधि एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो रेत समाधि जो बुक है उसको सैंड करके ट्रांसलेट किया गया है बिकॉज ऑफ द द लोकल लोकल लैंग्वेज लैंग्वेज इन इन हिंदी इट इट सो सो गुड गुड कि उसको ट्रांसलेट करना पड़ा इंट इंग्लिश सो दैट मोर पीपल कैन रीच आउट टू इट बिकॉज मोर पीपल नो द लिटरेचर इन इंग्लिश बिकॉज मोर पीपल नो दैट लैंग्वेज बिकॉज इज मोर एक्सेसिबल इसीलिए उसको ट्रांसलेट करना पड़ा चीजों को ट्रांसलेट करना पड़ा इफ योर बुक्स इफ योर ऑटोबायोग्राफी इफ समथिंग ऑन यू इफ एनी डायरी ऑन यू इट्स बी ट्रांसलेटेड इन सो मेनी सो मेनी है ना

उसके लोगों के लिए क्या क्यों आप एक बात सोचो इन्फ्लुएंस कितना छोटा चीज होता है इन्फ्लुएंस कितना छोटा चीज है इन्फ्लुएंस होना कोई बहुत ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से आप कर सकते हो कितने लोगों को लेकर एक लोग दो लोग तीन लोग मोर देन दैट यू आर इन्फ्लुएंसिंग करोड ऑफ पीपल

उसको इतना बेहतरीन बनाता है समाज में इतना एक एक ऊंचाई वाला पोजीशन देता है फ्यूरर है फ्यूरर कहलाता लोग उसको <coughs> हेल हिटलर कह कह के सलाम करते हैं क्या क्या चीज ऐसी रही होगी उसमें दो चीजें हमारे सामने आ गई एंड माइंड पेन अपॉन मेनी ऑफ़

creating his own army look at him he doing stuffs that nobody could ever dare to do nobody could ever dare to do उसके बाद में, nobody had the guts ki wo ye aisa kuch kar sake nobody not even a single person even his contemporaries wouldn't have had the guts to do what he did and that's why he did he succeeded he was the only guy who got the success adolf hitler kya tha dekho shikhar shikhar graba jo hai wo uska naam होना चाहिए था Practically तो उसका नाम शिखर ग्रभ होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्यों क्योंकि उसको जो father है उन्होंने उनके mother का सरनेम अडॉप्ट कर लिया था ठीक है और ऑब्वियसली वोटर चला था पर उसके बाद में क्या हुआ सेफ फादा का जो नाम है हैदलर। हैदलर जो नाम था वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उन्हें लगा है, नहीं। नहीं है। अपभ्रंश के, के तौर पर देखने को मिलता है इस हिटलर, हिटलर। और वही हमें नाम आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखता है लीगली डॉक्यूमेंट में एडलर ही नाम आता है

you have done anything and everything to devastate the world destroy the world and still people keeping कीपिंग memories this is the very first time i am saying something like this pura point, pura ppt टी cover कवर करते हैं फिर उसके बाद i'll tell you the point होल क्या हो रहा है यहाँ पर उनको एडमिशन deny कर दिए गए इसके अलावा हायर हाँ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वियन्ना में एजुकेशन लिया उसके बाद में वियन्ना के विजिट में समझ में आया कि सिटी का जो कॉस्मोपोलिटन नेचर है वो हेट किया गया उनकी तरफ से और उनको बोला गया कि नया दुनिया जो है जो नई दुनिया है ये शायद उनके लिए बनीबत नहीं है उसने ये सोचा कि ये दुनिया मेरे लिए बनी नहीं है और इसलिए शायद मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए और वो आगे बढ़ गए उस दुनिया से फिर क्या हुआ वर्ल्ड वार वन आउट होता है अगस्त नाइनटीन में उन्नीस में पहला वर्ल्ड वॉर दुनिया के सामने आता है और एलरल्ड हिटर जो है वो म्यूनिक में रह रहे थे ऑलरेडी 1913 से अब म्यूनिक आप अगर वो पार्ट कंटिन्यू करोगे उस पार्ट को अगर आप कंपेयर करोगे तो जर्मन हिस्सा आपको समझ में आ जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का ये वो हिस्सा है जो आपके जीके वाले पोर्शन में भी कवर होता है और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस साल हम लोग हाउ डिड मीनीस सिंस वर्ल्ड वॉर टू आपको पता चले कि एक्सैक्टली हो कह रहा है how, how इस साल उन्होंने कितने साल कंप्लीट किया वर्ड वो के, के बाद में कोई रैंडम साल हो सकते

सी वर्ल्ड वॉर टू ब्रेक आउट कब हुआ उससे बेहतर मैंने ये सवाल पूछा है कि व्हेन इट एंड एग्जैक्टली वो खत्म कब हुआ हम उससे बाहर कब निकले मेरा मेजर था है ना बेटा तो यस दिस इज दिस इज वेरी नेसेसरी दिस इज वेरी नेसेसरी आई एम सो सॉरी है ना अच्छा अब क्या होता है ही वॉलंटरीली एनलिस्टेड हिज नेम फॉर द सिलेक्शन इनटू द बवेरियन आर्मी और वो वहां पर रिजेक्ट हो जाता है

कि वर्ल्ड वाला पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो व्हाट व्हाट डिड यू स्टडी यहाँ पर क्या पता चला आप लोगों को ठीक है हाँ, किसी बारे में पूछ सकते हैं बेटा डेफिनेटली हम अगली सीरीज जो है उसी के बारे में करने वाले तो, से नवाज दिया जाता है class, Cross, class, bravery, 1914, और जो आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास है वो उनको दिया जाता है, 1918, जब होने वाला होता है. Life, और अभी वो सेटिस्फाइड थे से और कॉम्रेडरी से या फिर कॉमरेडशिप से क्या है अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कॉम्रेडरी एंड तो को कोहेजन है ना कैमरा एंड कोहेजन ये वाला पोर्शन अगर आपको याद होगा तो शायद यू यू नो दिस इफ यू नो दिस यू नो दिस है राइट yes. right. है ना तो

बट इट वर्क इट वर्क रियली वेल फॉर हिम यहाँ पर आप देखिए हम वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया गया उसके बाद में उस पार्टी को रीनेम किया गया मार्च 1920 में हम लोगों ने देख रहे हैं कि जो पार्टी है इसको रीनेम किया गया नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी एन जिसको नाजी पार्टी भी कहा जाता है आज आप उसको नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं दिस इज अल से सिंबल आप लोगों के लिए अपने पास एक सिंबल है आप खुद के लिए एक सिंबल बनाते हो आप खुद की जो पोजीशन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हो कि योर पार्टी इज अबाउट टू कॉन द होल वर्ल्ड योर पार्टी इज अबाउट टू कॉन एटलीस्ट यूरोप और दैट सेंस और दैट मैटर ठीक है पार्टी के जो वर्किंग थे फ्रूटफुल निकले हिटलर सक्सेसफुली मैनेज कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में ज्वाइन करने के लिए ये जो वर्क है ये फेवर में आया उनके क्योंकि कई सारे लोग पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में लॉस को ग्रीव कर रहे थे रो रहे थे उस लॉस के ऊपर और जो डिसकंटेंट है जो रिजेंटमेंट है लोगों के बीच जो था बाकी के जो सर्विसमैन थे उनके अंदर जो था वो चाहते थे कि हम वर्ल्ड वॉर टू में बेटर करके दिखाएं यस वेरी गुड यशिका हम वो चाहते थे कि हम वर्ल्ड आउट में बेटर करके दिखाए हिटलर ने इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया फायदा उठाया और स्किल्ड भी थे ही बात है कई सारे आर्मी जनरल्स को इकट्ठा किया पार्टी को ज्वाइन करवाया और फेवरेबल कंडीशन देख के छोटी पार्टी को एक बड़ी पार्टी में तब्दील कर दिया इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से कई सारे इकोनॉमिक लॉसेज जो थे वो सिविलियंस को झेलने पड़ रहे थे और इसके अलावा सिविलियंस इसकी वजह से भी गोरे दिस इज नॉट इफ यू इफमी इन पर्सन दिस इज नॉट there might be a single question that will pop out of this, but this is not. this is this is going to some other point. i'm just telling you something. in July 1921, Hitler became the leader who had unlimited powers. bahut sari powers the unlimited powers wale एक व्यक्ति बन जाते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा ko को address कर सकते थे. jail time में गए, jail time serve किया. उसके अलावा speeches देने से ban कर दिया गया था. <coughs> economic collapse हो जाती है 1929 के Great Depression के समय पे. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कि कई सारे और लोग होते हैं जो उनके साथ आकर जुड़ जाते हैं और इसी वजह से चांसलर जनवरी 1930 में चांसलर बनने का मौका मिलता है ये लीडरशिप जो है वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है 1933 से लेकर 1939 थर्टी तक और ये जो पावर है नाजी पार्टी की ये कई सारे वोट्स के बेसिस पर चलती है जिसमें से कई सारे वोट्स इनके ही पक्ष में ज्यादातर नजर आते हैं एडर्फ हिटलर एक रैली को एड्रेस कर रहे हैं उन्नीस में पॉइंट क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोल कहाँ से नजर आता है जो डिक्ट एक 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 फॉर्म ऑफ रूल था जो बिलीव्स थे वो डिस्क्रिमिनेट करना चाहते थे यूज के खिलाफ इसलिए उनको टॉर्चर करने की प्रोसेस इसको नए नए तरीके ढूंढ लिए गए इंसिसली हम लोग क्या पढ़ पा रहे हैं इंसिजेंटली और इसके अलावा ओवर पावर होना लग गया एम्बिशन जो है वो ओवर पावरिंग एम्बिशंस होने लग गई ज्यादा से ज्यादा टेरेटरीज को कवर करने की बात बीच में आने लग गई लोग मैनिपुलेट होने लग गए और ये बिलीव करने लग गए कि देवर द ओनली वन इसी ऐसे ही तरीकों से हम लोग रिकवर कर सकते हैं जो लॉसेस हमें इसके पहले मिली है और वर्ल्ड वॉर वन में जब जर्मनी हार जाता है और इस वजह से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अटैक पोलैंड इन द अटैक पोलैंड और ये जो इन्वेजन है तो ये फ्रेंच और ब्रिटिश जो मिलिट्री सपोर्ट ऑफर करते हैं पोलैंड को वो वापस इनके ऊपर अटैक करते हैं और ये कंट्री जो है वॉर डिक्लेयर कर देती है तो ये ग्रूसम वॉर रहा और जो कंट्रीमैन वे वो छोड़े नहीं गए दिस वॉज हिटलर एट हिस्स जर्नी जो अटैक्स है ये कई सारे नेशंस के ऊपर किए गए और इटालियट भी है वो काफी सेम विगर से में होता हुआ नजर आता है तीस नेशन इस वॉर में इंक्लूड होते हैं और सौ मिलियन के आसपास लोग पार्टिसिपेट करते हैं सत्तर मिलियन से पचासी मिलियन के आसपास जो चीज़ें हैं वो हमें नजर आती है एक जो कैजिटी मानी जा सकती है हिटलर की डेथ कैसे हुई वॉर एंड होता है फोर्टी में जर्मन सरेंडर कर देते हैं और एक वीक के बाद में ही सरेंडर नजर आता है जब हिटलर सुड कर लेता है Adolf Hitler committed suicide on 30th April 1945, बेसमेंट ऑफ इसम इन बर्लिन उनकी जो बीवी है ईवा ब्रॉन वो ट्वेंटी अप्रिली फोर्टी फाइव को उनसे शादी करते हैं एक दिन पहले और ऑलसो फाउंड डेड आफ्टर पॉइंजन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हर हस्बैंड एडोल्फ हिटलर

<laughs> there are two sides to every coin two sides to every coin correct? Right? i'm getting to a point we are at a point you have it's 25 already you have you need to put a little bit of extra efforts in what you're doing if you're not doing that this is really ridiculous from your side

बींग पुट बाई नहीं नज़र आ रहा है मुझे अगर मुझे नजर नहीं आ रहा है तो मेरा बोलना बनता है चाहे वो कोई भी ना संजना है शायद यशिका है गौरी है सब लोगों के लिए। तो enough, देखो, वाला पोषण कुछ देखा टॉक इन जनरल वॉर कि क्या हुआ है कौन से कौन से साल है किसने किसका इन्वेजन किया बेसिक चीजें थी देर वॉज नॉट नो बिग स्टॉप उसमें हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी वहाँ पर एक जनरल डिस्कशन किया लेकिन जनरल डिस्कशन के अलावा वॉट वी हैड इन माइंड वॉज कि आप लोगों को ये बात पता चले कि इवन इफ योर इंटेंशन आर अगर आपके इंटेंशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो देर प्यर प्योर और नॉट इट वर्क फॉर यू आपके इंटेंशन स्ट्रॉग होने चाहिए वॉट आई वॉन्ट यू टूज लर्न फ्राम दिस इज के आपके इंटेंशन कितने स्ट्रॉन्ग है आपका कन्विक्शन कितना तेज़ है आप कितनी पावरफुल चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते, को करते हो अडेप्ट की कोशिश करते हो आप कितनी पावरफुल चीज़ चीजों को सीखने की कोशिश करते हो है ना हम्म हम्म हु, डेफिनेटली बाबा इंपोर्टेंट टॉपिक पे मैं रोज क्लास डेफिनेटली डेफिनेटली वो मैं जो रोज कवर कर रहा हूँ, वो भी आ, कर, होते ही है बाकी पेड़ वाले बच्चों के लिए भी आई हैव मेड सच क्लासेस है ना तो प्लीज बी श्योर अबाउट इट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच ठीक है एक नई तो बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग तो पे, be on YouTube पे इट विल बी ऑन YouTube ओनली इट विल बी अनाउंस सून तो दिस इज नो सरप्राइज एक्जैक्टली नो आई नॉट सरप्राइज आप देखिएगा जरूर यू शुड यू वे शुड ज्वाइन इट हाँ सब लोग आइए मिलिए उसमें जुड़िए ठीक है, है, है थीके? और ऐसे भी जो जीके के टॉपिक्स से बीच बीच में उनको भी हम लोग करते हुए चलेंगे ठीक है तो जीके को लाइक दिस इज वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री ठीक है तो जैसे कि इसी जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स हो गया इसी जैसे हम लोग ज्योग्राफी हो गया इसमें से भी इम्पोर्टेंट जी कवर करने की कोशिश करेंगे विच विल भी हेल्पफुल फॉर आईलाइट ठीक है आई होप अंडरस्टूड इट एंड वील मीटिंग नेक्स्ट सेक्शन सेशन तब तक थैंक यू वेरी मच गुड डे एंड चेहन